हेलो गाइस, मालाड ईस्ट में हाईवे के पास सिर्फ 500 से 600 मीटर के रेडियस में अगर आप 2BHK देख रहे हैं तो मैं आपको अभी 2BHK दिखा रहा हूँ। प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है, रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, हाईवे से बिल्कुल नज़दीक है, मेट्रो स्टेशन पास में है, कारपेट साइज अच्छा है और प्राइस भी अच्छा है। मैं आपको प्रोजेक्ट के डिटेल देता हूँ। प्रोजेक्ट के अंदर 2BHK और 1BHK का कॉन्फ़िगरेशन है। प्रोजेक्ट के अंदर 4 टावर है, ABCD, बेसमेंट है एक, फिर 3 लेवल का पोडियम है, 20 स्टोरी टावर है। प्रोजेक्ट के अंदर 18 स्लैब कंप्लीट हो चुका है। प्रोजेक्ट का पोजीशन जो है 2024 दिसंबर में मिल जाएगा। प्रोजेक्ट 3-4 बैंक से ऑलरेडी अप्रूव्ड है। जो भी आपको अगर फ्लैट लोन पे लेना है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपका लोन का कोई भी क्वेरी होगी वो मैं सॉल्व करके दे दूँगा। लोन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही रहेगी तो भी आपको लोन एडजस्ट करके मैं दे दूंगा। और रास सवाल फ्लैट इंस्पेक्शन का, आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको फ्लैट दिखा दूंगा। प्रोजेक्ट के अंदर 2BHK 635 से लेकर के 645 कारपेट का 2BHK का ऑप्शन अवेलेबल है। हायर फ्लोर पे इस फ्लैट में आपको बैल्कनी भी मिलेगा। 1BHK में भी बैल्कनी हायर फ्लोर पे अवेलेबल है, 2BHK में भी हायर फ्लोर पे बैल्कनी अवेलेबल है। कॉम्पैक्ट 1BHK भी इस प्रोजेक्ट के अंदर मिलेगा, कवर्ड कार पार्किंग के साथ। 2BHK 635 स्क्वायर फीट आपको 153 ऑल इंक्लूसिव में मिल जाएगा, विथ 2 ईयर्स मेंटेनेंस के साथ, क्लब हाउस चार्जेस सब कुछ इंक्लूडिंग आई हॉस्टल। और जो प्रोजेक्ट के अंदर एमिनिटीज है, चिल्लर के एरिया, जिम, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, जिम सब कुछ इस प्रोजेक्ट के अंदर है। प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है, लोकेशन काफ़ी अच्छा है। आप मुझे साइट विजिट के लिए फ़ोन कीजिए। प्रोजेक्ट के अंदर ऑलरेडी इन्वेंट्री 70-80% सोल्ड आउट है, ऑप्शंस काफ़ी लिमिटेड है। आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको साइट इंस्पेक्शन करा दूँगा। थैंक यू सो मच, नमस्ते। ये 2BHK का फ्लैट है, ये आपका किचन है। किचन में बहुत सही आपको ग्रेनाइट का प्लेटफॉर्म मिल जाएगा और ये नीचे और आपको मॉड्यूलर किचन मिलेगा। वॉशिंग मशीन का स्पेस यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे सिंक दिया हुआ है, कई विंडो दिया हुआ है और एक्सेस फैन है। हाइट काफी अच्छा है, यहाँ पे हाइट 10 फीट का हाइट है। ये आपका पूरा हॉल है, यहाँ पे आप सिटिंग एरिया कर सकते हैं, यहाँ पे सोफा आप रख सकते हैं और यहाँ पे आपका टीवी यूनिट आ जाएगा पूरा। यहाँ पे टीवी यूनिट आप रख सकते हैं और यहाँ पे विंडो दिया हुआ है, फुल साइज फ्रेंच विंडो है, ये फ्रेंच विंडो यहाँ पे दिया हुआ है। फिर से मैं आपको हॉल दिखा देता हूँ अच्छे से। और ये डाइनिंग एरिया है। फ्लैट जो है काफ़ी स्पेशियस है, 645 स्क्वायर फीट का फ्लैट है। इसके अंदर 635 भी आएगा और इससे बड़ा भी फ्लैट आएगा। ये कॉमन वॉशरूम है, कॉमन वॉशरूम का भी साइज अच्छा है, अराउंड 4 फीट बाय 7 फीट का साइज है ये। और फिटिंग जो है यहाँ पे जगवार की फिटिंग दी हुई है और फ्लोरिंग पे एंटी स्किड टाइल्स दिया हुआ है। यहाँ पे भी विंडो दिया हुआ है, एक्सेस फैन भी है। यहाँ पे ये फर्स्ट बेडरूम है, कॉमन बेडरूम, यहाँ आप बोल सकते हैं चिल्ड्रंस बेडरूम है। इसका भी साइज काफी अच्छा है। यहाँ पे बेड रखने के बाद भी आपको 2x6 फीट का आपका वार्डरोब का स्पेस दिया हुआ है, आराम से 2x6 का वार्डरोब यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे भी फ्रेंच विंडोज दिया हुआ है। वॉल जो है POP फिनिश वॉल्स मिलेगी, उसके ऊपर एक्रेलिक का आपको पेंट करके मिल जाएगा। पैसेज है, पैसेज के बाद ये फिर आपका मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम का साइज भी काफी स्पेशियस है और अच्छा स्पेस यहाँ पे दिया हुआ है। ये फिर से
मास्टर बेडरूम की विंडो। और ये वॉशरूम, जो ग्लास दिख रहा है ये ग्लास यहाँ पे नहीं मिल सकता, मिलेगा आपको। बाकी आपको जो फिटिंग्स दिख रही है, जैगवार की फिटिंग्स दिख रही है वो एज इट इज मिलेगी। जो टाइल्स आपको दिख रहा है वही टाइल्स आपको मिलेंगे। फ्लोरिंग पे वुडन फिनिश टाइल्स दिया हुआ है, एंटी स्किच टाइल्स है ये। फ्लोरिंग पे वो एंटी स्किच टाइल्स भी आपको ऐसे ही मिलेंगे। ये भी जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट के अंदर ए विंग, बी विंग, सी विंग, डी विंग, ऐसे चार टावर आएंगे।